न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जिले के एकमात्र एकलव्य आवासीय विद्यालय घनसौर के छात्रावास में कक्षा दसवीं के एक छात्र को 12 कक्षा के छात्रों ने लात घूसों से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद कक्षा दसवीं के छात्र ने घटना की जानकारी अधीक्षक को दी, जिसके बाद छात्रावास अधीक्षक ने कक्षा बारहवीं के छात्रों को डांटने की वजह खुद छात्रावास से नदारद है। कक्षा 10 के छात्र ने बताया कि उसे 8 लड़कों ने मारा है, जिसकी जानकारी पीड़ित छात्र ने परिजनों को दी, जिस पर आज परिजन शाला पहुंचे और प्रचार के ना होने के चलते बच्चे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एकलव्य स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि इस मामले की जानकारी ना तो उन्हें है और ना ही प्राचार्य को। मामले की जाँच कराई जाएगी, पर विचाराधीन बात यह है कि जिस अधीक्षक को मासूम छात्रों की जिम्मेदारी दी गई, वो लापरवाह अधीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। कौन से स्कूल पे? एकलव्य आवासीय विद्यालय। क्या हुआ था आपके साथ? भैया लोग मेरे साथ मारपीट किया। किस चीज को लेकर? मोबाइल लेकर। कितने लोग थे? 6-7। MI खान प्रभारी प्रचार है आपको? प्रभारी, आज के प्रभारी है। घटना परसों की है जी। परसों साहब भी थे, कल भी थे साहब जी। उनका स्वास्थ्य खराब, आज गए नागपुर जी। नागपुर सर, ये घटना के बारे में मालूम सर? नहीं, कोई जानकारी नहीं।